नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फसल सलाह ऐप में। जैसे कि किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में जो शरद ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं उनके बारे में आपको बताएं कि किस तरह से कम समय में अधिक पैसा कमाया जा सके। बात करते हैं मूली की। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि मूली फर्स्ट स्टेज वाली बिल्कुल रेडी है, जो कि ये मूली की बुवाई सितंबर से अक्टूबर में की गई थी। अब हम आपको बताएंगे कि अगली बुवाई जो फरवरी से मार्च तक की जाती है, लेट वैरायटी कौन कौन सी हैं और किस तरीके से खेत की तैयारी करनी है और किस तरीके से मूली की बुवाई करनी है। तो हम आपको बताते हैं मूली खेती लगभग 40 से 45 दिन में लगभग खुदाई लायक तैयार हो जाती है। इसमें आपको मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है, मिट्टी की तैयारी के बाद में क्यारी से क्यारी की दूरी कितनी रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है और जो बुवाई से बीज की गहराई है वो कितनी रखनी है। बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की। तो मूली की फसल के लिए मिट्टी की तैयारी, सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से पहली जुताई करनी चाहिए और दूसरी दो तीन जुताई लगभग में कल्टीवेटर से या देसी हल से करनी चाहिए। उसके बाद में लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर खाद डालनी चाहिए और कौन कौन से रासायनिक खाद डालने चाहिए, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटास और 50 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जो मिट्टी की तैयारी के बाद में मेड़ से मेड़ों की दूरी है, जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लगभग मेड़ से मेड़ की दूरी वो 40 से 50 सेंटीमीटर है, 40 से 50 सेंटीमीटर मेड़ से मेड़ की दूरी होनी चाहिए। और जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर है, जिससे कि पौधे की जड़ें लंबी और मोटी रहेंगी। इसके लिए जो अगेती किस्म की वैरायटी होती हैं वो होती हैं पूसा रेशमी, पूसा केतकी और जापानी सफ़ेद। और जो वैरायटी आप फरवरी से मार्च तक में लगाएंगे वो आपकी रहेगी पूसा हेमानी। पूसा हेमानी की बुवाई फरवरी से मार्च तक किसी भी समय में कर सकते हैं और इसका एक हेक्टेयर का उत्पादन 100 क्विंटल से 120 क्विंटल रहता है। और उसके बाद में बुवाई के बाद में आपको सिंचाई लगभग में जब मूली लगभग 3 से 4 पत्ती हो जाए तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए, साथ ही साथ में जो अगली सिंचाई करें वो मिट्टी की नमी के ऊपर निर्भर करती है और मिट्टी की नमी कितनी उस हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई निर्भर करती है मौसम की बरसात जानकारी के लिए आप हमारे अपने फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें। इसमें हमको आपकी फसल संबंधित सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है, फसल के साथ साथ और आप समय पर कौन सी खेती करना चाहते हैं जिससे आपको अधिक मुनाफा हो सके। उसके लिए आपको अपने फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें, ये गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जी नमस्कार, धन्यवाद।